इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कोरोना वबा के चलते पूरे मुल्क में एक तरह का हाहाकार देखा जा रहा है, हर फर्द परेशान नज़र आ रहा है। लिहाजा इसी के मद्देनज़र पहले से ही वैसे अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम तमाम सामाजिक कामों में, सामाजिक खदमात में पेश रहती है, 2020 हो या उससे पहले भी। लेकिन जो दूसरी वेव जिसे कहा जाता है, इसमें काफ़ी सारे नुकसान हुए, जानी माली नुकसान हुआ। लिहाजा इसी के मद्देनज़र अंजुमन इस्लाम की जानिब से कोविड सेंटर शुरू किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन इस्लाम के सदर जनाब आसिफ राजू सेठ साहब। आखिर इसके पीछे क्या मकसद है, किस तरह से परेशानियों का सामना तमाम इंसानियत कर रही है, लिहाजा इसी के मद्देनज़र तमाम लोगों की सहूलतों के लिए जिस तरह से एक बीमारी एक कहर नाजिल कर चुकी है और कई सारे मौतें और कई सारे मरीज़ों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, लिहाजा इसी के मद्देनज़र कई गरीब लोग हैं जो बड़े बड़े अस्पतालों का, निजी अस्पतालों का बिल अदा नहीं कर पाते। इसी को मद्देनज़र रखते हुए बेलगाम शहर में अंजुमन इस्लाम की जानिब से कोविड केयर सेंटर शुरू किया जा रहा है। इंशाल्लाह बरोज जुमा इसकी इफ्तिताह हो सकती है। लिहाजा हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन इस्लाम के सदर जनाब आसिफ राजू सेठ साहब, सेक्रेटरी जनाब समीउल्लाह माड़ीवाले साहब। अंजुमन इस्लाम बेलगाम में इंशाल्लाह हम जुमा के शोरबे से कोविड केयर सेंटर चालू करेंगे। हम देख रहे थे कि सिविल हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रेट या बिलिंग ज़्यादा होने के हिसाब से काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही थी। तो हमारी पूरी टीम ने बैठ के एक फैसला किया कि हम एक गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए एक कोविड सेंटर चालू करें। तो यही हमारी पूरी टीम पिछले 10-12 रोज से काम कर रही है और जो भी हमारे पास आएगा बेड अवेलेबिलिटी के हिसाब से और डॉक्टर्स के प्रोटोकॉल के हिसाब से हम यहाँ पे एडमिशन देंगे। कितने बेड? इसमें 50 बेड का सेंटर है। यहाँ पे हमारे ओपीडी सेंटर भी है, जो लोग आके अगर दवाखाने बंद हैं या कुछ केयर फैला करना चाहते तो एक ओपीडी सेंटर भी चालू किया है। यहाँ पे एक मेडिकल का मेडिसिन के लिए एक डिस्पेंसरी स्टोर भी चालू हुई है। हर तरह की सहूलत हम देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के पेशेंट को। और एक ज़रूरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम पिछले एक साल से देख रहे हैं कि फर्स्ट वेव आया, फिर कम हुआ, फिर सेकेंड वेव आया। सभी से यही दरख्वास्त है, मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज भी कहता हूँ कि वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन करवाने से बीमारी दूर हो जाएगी। बीमारी हो सकती है कि हो भी जाए, लेकिन उसकी सीवियरिटी इतनी कम होती है कि आपको एक मामूली बुखार या सर्दी के आगे वो बीमारी नहीं पहुंचती। तो सबसे यही दरख्वास्त है कि अपने आप को सबसे पहले वैक्सीनेट करवाएं। इसमें बहुत फ़ायदा है। मैंने भी दोनों डोज दिए हैं, कुछ तकलीफ़ नहीं हुई मेरे को, ना तो बुखार आया ना तो बदन दर्द हुआ। कुछ लोगों को होता है, बदन दर्द होता है वैक्सीन लेने के बाद में, जैसे हम पोलियो का या स्मॉल पॉक्स का इंजेक्शन पहले लेते थे, वैक्सीन लेते थे, थोड़ी सी बुखार आती थी, लेकिन वो एक रोज़ के लिए रहती है। लेकिन वैक्सीन लेने से तकलीफात से हम बहुत बहुत दूर रहेंगे। मैं बार बार कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि प्लीज़ अपने आप को इंजेक्शन लेके वैक्सीनेट करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। जो कोविड केयर सेंटर जो शुरू करने जा रहे हैं अंजुमन से, ये ख़ासकर गरीबों के लिए है और पूरी आवाम के लिए, ये इदारा पूरे आवाम का है। हम ये चाह रहे हैं कि लोग हमारे पास आइए नहीं, इसके पहले वो क्या करें, अगर उनको कुछ बुखार आती है फर्स्ट सेकंड थर्ड डे के पहले छो अपने आप को, हमारे ओपीडी सेंटर भी चालू हो रहा है, वो आके यहाँ चेक करा के अपनी बीमारी दूर कर ले और वो घबराएं नहीं, घबरा कर क्या अपने घरों में बैठ जा रहे हैं, जिसकी वजह से 8-10 दिन के बाद में क्या हो रहा है, उनको सीवियर उसका अटैक हो रहा है, जिसकी वजह से फिर हॉस्पिटल में एडमिट करो, ऑक्सीजन दो। उससे बचने के लिए पहले 2-3 दिन जो है
आपको बहुत अच्छे हैं, उसमें ही आप इलाज कर लें तो इंशाल्लाह ये बीमारी दूर कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि बेलगाम में से ये निकल जाए, अंजुमन की ये कोशिश है। राजेश साहब की सदारत में जो काम हम कर रहे हैं, पूरी टीम जो हमारी मेहनत कर रही है, इंशाल्लाह इससे हम आगे बढ़कर भी काम करके इस वबा को निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यह पहली मरतबा नहीं है कि हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि अंजुमन हमेशा सामाजिक खिदमत में पेश रही है। इससे पहले भी गली मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया था, कई सारे मेडिकल कैंप्स भी इन्होंने किए थे पिछले साल भी आपने, तो लिहाजा एक कोविड केयर सेंटर वाकई जो है गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनकर आएगा। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इनके खिदमत को कबूल करे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।